हेलो हाय एवरीवन, मैं आपका कैप्टन अमरीश कुमार अधाना। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वार्म अप बिफोर कंपटीशन या वर्कआउट से पहले जो भी हम वार्म अप करते हैं उसको किस तरह और कैसे करते हैं, ये आपकी डिमांड थी। मेरे सामने हैं इंटरनेशनल जूनियर प्लेयर्स जो आपको करके दिखाएंगे और पिछले 2 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं, और इनको दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये नए हैं और आपके लिए आवश्यक है। अभी आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो पहले बिल्कुल अभी आए हैं, ये अपने घर से आए हैं और अभी वर्कआउट के लिए तैयार हो रहे हैं, तो आप देखें धीरे धीरे गर्दन को जब हिलाते हैं हम तो उसको धीरे धीरे स्ट्रेच करते हैं, क्योंकि बहुत ही सीरियस होता है गर्दन का काम और ये ज़रूरी है कि आप हर मसल को वार्म अप करें तब आप किसी वर्कआउट में या कंपटीशन के लिए जाएं। तो इससे पहले कई आप लोगों की जो डिमांड थी कि सर वार्म अप कैसे करते हैं, होता क्या है, तो बिल्कुल सिंपल और सादी भाषा में आपको समझा रहा हूं और बता रहा हूं कि ये बच्चे बिल्कुल एकदम अच्छे हैं और आपको करके दिखा रहे हैं और आप देखें और इसका फ़ायदा उठाएं। लेकिन ये याद रखें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट तक देखें, बीच में ना छोड़ें, तभी इसका आपको बेनिफिट होगा, अदरवाइज बेनिफिट नहीं होगा। दोनों हाथों को कंधे नेक के साथ जब कंधे को घुमाते हैं हम तो जो मसल्स हमारी सोई हुई हैं वो जाग जाती हैं, तो इसलिए आवश्यक है कि अभी आप आए हैं और अपने वर्कआउट के लिए तैयार होने के लिए एक्सरसाइज बहुत ही आवश्यक है। वेरी गुड एक्सरसाइज चेंज। अब इसे जब देखते हैं आप तो इंटीरियर और दोनों साइड की मसल्स विद आपकी बैकबोन थाई ये सभी की मसल आपकी चार्ज हो रही हैं, ऑल मसल ग्रुप धीरे धीरे चार्ज हो रहे हैं, और कंपटीशन या आप बेस्ट कंपटीशन के लिए या अपने वर्कआउट के लिए ये एक्सरसाइज पहले बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कई बार हम ऐसी दौड़ने लगते हैं तो उसकी इंजरी के चांसेस होते हैं, तो कृपा करके आप वार्म अप करके ही आप वर्कआउट करें। दोनों पैर अल्टरनेटिव चेंज, यस टो हिल धीरे धीरे लाएं, थोड़ा स्ट्रेच जिससे कि सिन पेन ना हो, और ऊपर नी मसल्स थाई गुलेटियस सारी मसल इन्वॉल्व हो जाती हैं इसमें और सभी स्टेज होती हैं, और बहुत ही शानदार तरीके से आप वार्म अप हो जाते हैं। हाँ थोड़ा बैक, यस ये थोड़ी नॉर्मल स्टिचिंग है क्योंकि अभी वार्म से पहले हैं, बिल्कुल सोई हुई बॉडी है और उसको जगाने का काम पूरी मसल ग्रुप हमारा इससे जाग जाता है, यानी कि आपके तो चार्ज हो जाता है, पूरी बॉडी चार्ज हो जाती है, इसमें झटके ना मारें, धीरे धीरे जाएं और पूरी बॉडी स्ट्रेच होती है। हाँ थोड़ी नॉर्मल सी स्ट्रेचिंग जिससे कि आपकी बैक बोन पूरी ऑल बॉडी नी एंड थाई शोल्डर एंड नी एंड थाई सभी की एक्सरसाइज और थोड़ा थोड़ा स्टेज धीरे धीरे होता रहता है और आपकी बॉडी और मसल चार्ज होते रहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन आपका चार्ज हो रहा है, इसमें झटका ना मारें, धीरे धीरे स्टेज ले जाएं, बिल्कुल धीरे, हाँ यस झटका नहीं मारना, जितना सांस के साथ जितनी आपकी बॉडी जाती है उतना ही स्टेज करें आप धीरे धीरे। शाबाश, ओके गुड। अभी जो आप एक्सरसाइज देख रहे हैं नी की, ये गलत एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को आप लोग ना करें, प्लीज़ चेंज करिए इस एक्सरसाइज को, ये एक्सरसाइज गलत है। गांव में ऐसे इस एक्सरसाइज को बहुत करते हैं, तो ये घुटने घुमाने वाली एक्सरसाइज है, इससे के लिगामेंट और टंडन की इंजरी के चांसेस होते हैं, तो इसको आप ना करें जो मैंने आपको पहले दिखाया था। ये थोड़ा सा स्ट्रेचिंग, इस तरह की आपकी स्ट्रेचिंग चलेगी। साइड बिल्कुल थाई की जो मसल हैं वो सबसे अच्छी हैं और इनको चार्ज करना बहुत ज़रूरी है। अल्टरनेटिव 2 या 3 बार करें। ये जब आप धीरे बैठते हैं तो जो नए हैं वो आराम से बैठें, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग अच्छी है पहले से, इसलिए बैठ सकते हैं और इसे स्ट्रेच भी हो रहा है। लेकिन जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो कंट्रोल में अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही करें, ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप 2 या 3 भी कहेंगे तो आपकी स्ट्रेचिंग इस तरह हो जाएगी तो आप भी कर पाएंगे, एकदम अचानक जोर ना लगाएं, धीरे धीरे जाएं। बैक एंड ऑल बॉडी एक्सरसाइज पूरी स्टेज में हो रही है आपकी, इसमें आपके कक मसल भी हैं, स्टेज भी है, थाई भी है, नी भी है, टंडन भी है, ऑल बॉडी टो और हिल। जो आप देखते हैं
तो सिन पेन जब कई बार होता है, आप 3-4 बार करेंगे या 5 से 6 बार करेंगे तो ये एक्सरसाइज स्टार्टिंग में करते हैं तो सिन पेन आपका नहीं होता है, ये उसकी स्ट्रेंथ भी और स्ट्रेचिंग दोनों होती हैं। याद रहे कि आप कच्चे में ही ज़्यादा करें, पक्के में ना करें, यह बिल्कुल तैयार है, इस तरह से आप करते रहेंगे साइड वाइज। गुड, धीरे धीरे स्ट्रेच करें, जितना बॉडी आपकी इजाज़त देती है उतना। यस, वेरी गुड, अब आपके ऑल मसल चार्ज हो रही हैं और अब आप वार्म अप हो चुका है आपका, वर्कआउट या कंपटीशन के लिए अभी आप बिल्कुल तैयार हैं। ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे दीवार टॉयलेट की है, लेकिन टॉयलेट इसमें लोग नहीं करते हैं और हमने इसको फ़ायदा उठा रहे हैं। ये आपकी कोक मसल स्ट्रेच होती है, यानी कि जिनको आप पिंडी बोलते हैं, का आप चढ़ जाती हैं कई बार, इस तरह स्ट्रेच करके जब आप वार्म अप करेंगे या कंपटीशन के लिए वार्म अप करेंगे या अपने वर्कआउट के लिए, तो आपकी कोक मसल टाइट नहीं होगी। गॉड शाबाश, तो थोड़ा स्ट्रेच बहुत अच्छा है, ऊपर तक देखिए आप पूरी मसल थाई तक आपकी स्ट्रेच हो रही है और ये बहुत ही अच्छा है। अब आप ये वार्म अप के लिए तैयार हो चुके हैं, यू आर रेडी। तो आज मैंने आपको बताया कि वार्म अप से पहले जो एक्सरसाइज करते हैं उसके बारे में, मुझे लगता है आपको ये पसंद है, कई लोगों की ये डिमांड थी सर वार्म अप से पहले हम जो एक्सरसाइज करते हैं वो हमें बताएं। मैंने आपको बताने की कोशिश की, बिल्कुल बिगनर लड़के हैं और जो अभी कर रहे थे आपके सामने ये भी नए लड़के हैं लेकिन ये इंटरनेशनल है। तो आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, लाइक और सब्सक्राइब पक्का कीजिए। थैंक यू वेरी मच, आपका कैप्टन अमरीश कुमार आपसे विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत।